वर्ष उन्नीस में हेमा मालिनी जी को रमेश सिप्पी की ही फिल्म सीता और गीता में काम करने का अवसर मिला जो उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई इस फिल्म की सफलता के बाद वह शोहरत की बुंदियों पर जा पहुंचे उन्हें इस फिल्म में दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया रमेश रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म सीता और गीता में जुड़वा बहनों की कहानियां थी जिनमें एक बहन ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी है और डरी सहमी रहती है जबकि दूसरी तेज़ तर्रार व्यक्ति होती है दोस्तों हेमा मालिनी के लिए यह किरदार काफ़ी चुनौती भरा था लेकिन उन्होंने अपने सहज अभिनय से न सिर्फ इसे अमर बना दिया वर्ल्ड के भविष्य की पीढ़ी की अभिनेत्रियों के लिए इसे उदाहरण के रूप में पेश किया बाद में इसी से प्रेरित होकर फ़िल्म चालबाज का निर्माण किया गया जिसमें दोहरी भूमिका वाली बहनों का किरदार श्रीदेवी जी ने निभाया था हेमा मालिनी जी की जोड़ी जाने माने धर्मेंद्र के साथ खूब जमी यह फिल्मी जोड़ी सबसे पहले फ़िल्म शराफत से चर्चा में आई वर्ष 1975 में प्रदर्शित फिल्म शोले में धर्मेंद्र ने वीरू पर हेमा मालिनी ने बसंती की भूमिका में दर्शकों का खूब मनोरंजन किया हेमा और धर्मेंद्र की यह जोड़ी इतनी अधिक पसंद की गई कि धर्मेंद्र रियल लाइफ की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी उनके रियल लाइफ की ड्रीम गर्ल बन गई शोले के बाद उन्नीस में दोनों ने शादी करने का फ़ैसला किया हेमा धर्मेंद्र की दो बेटियां हैं ईशा देओल और अहाना देओल